हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में ये पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पहले प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारे आर्ट एंड कल्चर का सेशन। इस आर्ट एंड कल्चर में हम लोग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों को ही एक साथ में लेके चल रहे होंगे बिकॉज जो कंटेंट है वो मोर और लेस सेम है। इस सीरीज़ में हम लोग बेसिक कंसेप्ट को भी तैयार करेंगे, इस बेसिक कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर मोर देन 100 क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एंड दीज आर मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा आपकी हर संडे यहाँ पर टेस्ट होगी तो यू विल गेट नियर अबाउट 2 to 3 टेस्ट, 2 to 3 टेस्ट हो सकती है या फिर स्ट्रेच करके 5 टेस्ट भी कर सकते हैं जिससे कि आपको एक बेटर कॉन्फिडेंस आ जाए इन द आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि ये सेक्शन लगभग अनटच्ड होता है और कई लोग इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस वजह से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एटलीस्ट गेट सम कॉन्फिडेंस इन दिस सीरीज़। तो फटाफट शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सिलेबस अगर देखा जाए तो देखिए आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस में केवल और केवल एक सिंगल लाइन यूपीएससी के द्वारा लिखी गई है एंड दिस इज़ Indian culture will cover the salient aspect of art forms, literature, architecture from ancient to modern times. लेकिन इस पूरे के पूरे सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो this has a broad category, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जिनको कि हम लोग 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। एक प्लान के बारे में बात करें तो देखिए this is today is 27th of October और आज से अगर सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग तो we have near about 3 to 4 session we will have on Indian architecture, स्कल्पचर एंड पॉटरी। आफ्टर दैट वी विल कवर इंडियन पेंटिंग, फिर उसके बाद से इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस फॉर्म एंड थिएटर एंड पपेट्री, फिर उसके बाद से लैंग्वेज, रिलीजन एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स इंडियन लिटरेचर, स्कूल ऑफ फिलोसफी, फिर साइंस एंड टेक थ्रू द एजेस, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, अवार्ड्स, लॉ एंड कल्चर, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, कॉइन्स इन इंडिया एंड 2 more मिसलिनियस सेशंस। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे ऐसे भी फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स होते हैं बेसिकली जो कि आर्ट एंड कल्चर में किसी स्पेशल चैप्टर में आप इसे नहीं लिख सकते हैं, दिस हैज़ अ सेपरेट मीनिंग और ये कई सारी चीज़ों का एक तरीके से कह लीजिए कि ये कैटेगरी होती है, कई सारी चीज़ों को मिला करके एक छोटा सा टॉपिक बनाया जा सकता है जिसको कि हम लोग मिसलिनियस टॉपिक के रूप में डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पर जितने भी करंट इवेंट्स रहे हुए हैं पिछले एक साल में ऑब्वियसली ये भी कवर किए जाएंगे एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस 2020। इसको करने के बाद वी एक्सपेक्ट यू टू एटलीस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विच इज़ देयर इन द पेपर और विच इज़ गोइंग टू बी इन द पेपर वेरी कॉन्फिडेंटली एंड गेट मोर एंड मोर मार्क्स दैन द अदर स्टूडेंट्स। इसमें अगर सिलेबस में देख लिए हैं तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी का। यहाँ पर स्कल्पचर, पॉटरी एंड आर्किटेक्चर में द फर्स्ट टॉपिक विल बी आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। अगर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो आर्किटेक्चर एक लेटिन वर्ड से लिया गया है जिसको बोला जाता है टेक्टॉन। इस टेक्टॉन का मतलब होता है बिल्डर। बिल्डर का मतलब सिंपल आप लोगों ने देखा ही होगा कि सिविल इंजीनियरिंग होती है और इस सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली इंजीनियरिंग पार्ट होती है बट जो एस्थेटिक्स होती है, जो सुंदरता होती है, जो एक तरीके का स्ट्रक्चरिंग होती है वो बेसिकली आर्किटेक्ट करते हैं। तो ये आर्किटेक्ट जैसे मैप की प्लानिंग हो गया या फिर कितने रूम होंगे, कहाँ रूम होंगे, कहाँ लोकेशंस होंगी, डोर्स कहाँ ओपन होंगे, ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर का काम होता है। तो जितनी भी एक तरीके से प्लानिंग होती है वो आर्किटेक्ट कर रहे होते हैं और उसके ऊपर में जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू होता है वो सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस में सिविल इंजीनियरिंग प्लस आर्किटेक्चर एक साथ होती है, दैट इज़ द डुअल डिग्री प्रोग्राम, दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। लेकिन आर्किटेक्चर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या सिस्टम है इसका। इसके अलावा स्कल्पचर होती है और स्कल्पचर ये डिराइव की जाती है प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट कील से, जिसका मतलब होता है कट करना या क्लीव करना, या फिर आप लोगों ने देखा होगा बड़े पत्थरों को, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनको तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे फॉर्मेट में, नुकीले फॉर्मेट में बनाया गया है, तो इसे बेसिकली स्कल्पचर बोलते हैं। ये स्कल्पचर अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग फॉर्मेट में देखने को मिला है। जैसे अगर इंडस वैली में बात करें तो हमारे पास स्कल्पचर के रूप में टॉर्सो हो जाती है या फिर जो प्रीस्ट है, बियर्डेड प्रीस्ट है। सिमिलरली अगर मौर्यन एज में आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास पिलर्स हैं, बुद्धा की फिगर्स हैं, तो ये हमारे पास कई तरीके के स्कल्पचर आ जाते हैं। स्कल्पचर और आर्किटेक्चर बेसिकली काफ़ी डिफरेंट है। आर्किटेक्चर बड़े फॉर्मेट में होता है, इंजीनियर्ड फॉर्मेट में होता है, लेकिन जो स्कल्पचर होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। दे आर ईदर हैंडमेड और विद टूल्स, किसी भी तरीके से हो सकती हैं। जनरली अगर एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करेंगे तो वो काफ़ी कह लीजिए कि हैंडमेड ही हुआ करती थी। अगर आप कभी मौका मिले तो आप जैसलमेर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर फोर्ट्स हैं। इनफैक्ट राजस्थान के किसी भी फोर्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी ऑल आर नियरली हैंडमेड, क्योंकि उस समय मशीन्स नहीं होती थी। सिमिलरली आप लोगों ने नाम सुना होगा बामियान का। बामियान इज़ बेसिकली इन अफ़गानिस्तान। ये बुद्धिस्ट इलाका है जहाँ पर तालिबान ने बुद्धिस्ट के जितने भी फिगर्स वगैरह हैं, जितनी भी फ़ोटो, जितने भी स्कल्पचर्स हैं, उनको ख़त्म कर दिया है, ख़राब कर दिया है। बामियान में भी दो बुद्धा हैं, एक बुद्धा जो काफ़ी बड़े हैं, 50 मीटर नियर अबाउट हैं, और एक छोटे बुद्धा थे जो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने बेसिकली बनवाया हुआ था। तो इन दोनों बुद्धा में अगेन दिस इज़ अ स्कल्पचर। तो स्कल्पचर का मतलब ये ज़रूरी नहीं होता है कि कोई छोटा ही फिगर होगा, छोटा स्ट्रक्चर होगा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली छोटा ही होता है क्योंकि ये हैंडमेड होता है जनरली। तो दिस इज़ द थिंग, ये आपको पता होनी चाहिए क्या चीज़ है यहाँ पर। स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में अगर डिफरेंस के बारे में बात करें तो देखिए, आर्किटेक्चर बेसिकली डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में बात करता है, जबकि स्कल्पचर एक 3D फिगर है जिसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई फ़ोटो बना सकते हैं, किसी बुद्धा की फिगर बना सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू। आर्किटेक्चर यूजुअली मिक्स मतलब यूज़ करता है मिक्सचर्स का, जैसे कंक्रीट हो गए या फिर कोई और अदर स्ट्रक्चर हो गए, जिसमें क्ले को हम लोग अलग अलग बाइंडर मटेरियल्स के साथ मिला करके फिर बनाते हैं। स्कल्पचर में बेसिकली ये स्टोन का बना होता है, ये सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल होता है, कोई भी हो सकता है, ये मोनोलिथिक भी हो सकता है या फिर जोड़ जोड़ करके भी बनाया जा सकता है। दिस इज़ बेसिकली, लेकिन जनरली ये एक सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर होती है ऑफ एनी मटेरियल। मार्बल भी हो सकती है, सैंडस्टोन भी हो सकती है, स्टेटाइट भी हो सकती है, एनीथिंग इट कैन बी। आर्किटेक्चर बेसिकली इंजीनियरिंग की स्टडी करता है, ऑलरेडी वी हैव सीन, लेकिन जो स्कल्पचर होती है बेसिकली क्रिएटिविटी होती है, आर्ट होती है एक तरीके से, एंड दिस इज़ बेसिकली इमेजिनेशन एंड इट मे नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मेजरमेंट, किसी भी तरीके से हो सकती है। आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल के रूप में आप देखें तो बिल्डिंग्स होंगी, एंड ताजमहल इज़ अ बिल्डिंग, रेड फोर्ट इज़ अ बिल्डिंग, सिमिलरली जहाज महल हो गए, या जितने भी इस तरीके के आर्किटेक्ट्स हैं वो आप आर्किटेक्चर में रखते हैं। जबकि स्कल्पचर में अगर आप देखेंगे तो नटराज की इमेज हो गई, या फिर डांसिंग गर्ल हो गई, या फिर टॉर्सो बियर्डेड जो प्रीस्ट थे, या फिर बुद्धा के फिगर्स हो गए, या फिर पिलर्स इन मौर्यन एज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्कल्पचर के अंतर्गत आ जाती हैं। क्लियर। इंडियन आर्किटेक्चर में थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ा जाए तो इट इज़ बेसिकली अ डिपिक्शन ऑफ द स्टोरी ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो ये अलग अलग टाइम पे जब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं तो उनको डिपिक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए ये आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है। यह आर्किटेक्चर या तो आप इवोल्यूशन को दिखाने के लिए फिगर्स के फॉर्मेट में दिखाते हैं, मतलब कि मूर्ति के तरीके से दिखाते हैं, या फिर ये पेंटिंग के तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्मेट होते हैं, लेकिन वन थिंग इज़ वेरी कॉमन, लाइक व्हाट इट इज़ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ पर इवोल्यूशन हो जाती है। आर्किटेक्चर को हम लोग इस आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग तोड़ के रखे हुए हैं। जैसे एक है जो एंशिएंट इंडिया का है, और इस एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले हम लोग हड़प्पन एज के बारे में देखेंगे, फिर मौर्यन, देन पोस्ट मौर्यन, और फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे गुप्ता, एंड देन साउथ इंडियन आर्ट। ये सारी की सारी हम लोग देखेंगे एंशिएंट के अंतर्गत। हालांकि इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी है, लेकिन वो एंशिएंट हिस्ट्री ओरिएंटेड है, मतलब वहाँ पर आपको किंगडम्स एंड जितने भी किंग्स हैं, राजा हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल्ड मिलेगा। लेकिन इस सीरीज़ में हम लोग किंगडम के बारे में बात ना करके केवल और केवल आर्ट एंड कल्चर ओरिएंटेड बात करेंगे, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द आवर सिलेबस। क्लियर। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे फिर मेडिवल के बारे में। तो मेडिवल में हमारे पास दो तरीके का एज आता है, वन इज़ द दिल्ली सल्तनत एंड सेकंड वन इज़ द मुगल आर्ट। फिर हम लोग आ जाएंगे अपने मॉडर्न फेज में जहाँ पर इंडो गॉथिक आर्ट आ जाएगी और लास्टली एक नियो रोमन आर्ट आ जाएगी। ऑब्वियसली ये दोनों ही फेज जो है कॉलोनियल एरा के हैं और उस दौरान में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वो हो जाएंगी। कुछ और भी हम लोग मॉडर्न एज के बारे में बात कर लेंगे जो कि आज की डेट में प्रिवेलेंट है, हालांकि दैट विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन बट स्टिल प्रिपेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आर्ट एंड कल्चर इज द सेक्शन वेयर यू मे बी इन ए सिचुएशन ऑफ ब्लैंक, तो आप वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक तरीके के क्वेश्चन को आप टैकल कर सकें। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो हम लोग डिटेल्ड इसके बारे में नहीं जाने वाले हैं। ऑलरेडी ऊपर आई बटन लगा दी गई है, अगर आपने नहीं वॉच किया है तो आप इसे देख करके इंडस वैली सिविलाइजेशन के अपने कंसेप्ट्स को वापस से बूस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे ज़रूर, लेकिन आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से देखेंगे एंड यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर जो हड़प्पन की थी वो बेसिकली फ्लॉरिश हुई थी 2500 to 1700 BC के दौरान में। हालांकि कई लोगों ने अपने अलग अलग कंसेप्ट दिए, अपने अलग अलग टाइम पीरियड दिए, जिसमें से हम लोग 2500 टू 1750 बीसी बेसिकली एक मानते हैं इस हड़प्पन एज के टाइम पीरियड को। ये फ्लरिश हुई थी नियर द बैंक ऑफ रिवर इंडस। हालांकि यहाँ पर भी इसका जो स्प्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा था और ये पाँचों रिवर, इनफैक्ट 6 रिवर्स, जो 6 रिवर थी वो सरस्वती थी, इनके नियर अबाउट में फैला हुआ था and it has a large spread of northwestern and western part of Indian subcontinent. Indian subcontinent का मतलब यही हो गया है कि ये केवल इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसकी साइट्स मिली हुई हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो फीचर्स हैं वो स्कल्पचर्स हैं, सील्स हैं, पॉटरीज एंड ज्वेलरीज हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे कि अर्बन प्लानिंग वगैरह हो गई। तो दिस इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सिविक प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रोड्स थे वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते थे, ड्रेनेज काफ़ी अच्छी थी, जो यहाँ की प्लानिंग थी वो सिटी प्लानिंग थी। इसमें जो मेजर सिटीज़ हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं जो अर्लीस्ट टाइम के हड़प्पन सभ्यता बोली जाती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बोली जाती है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से हैं, जैसे हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, राखीगढ़ी, रोपड़, बालाथल, कालीबंगा, सुरखोताड़ा, बनावली, आलमगीरपुर, मेहरगढ़, कई सारे हैं, दैमाबाद, तो बहुत सारे यहाँ पर साइट्स हैं। इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। इनके जितने भी डिटेल्स हैं उनको हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आगे अगर देखें इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जैसे सिटाडेल, सिटाडेल में हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर क्लास डिवीज़न था। लोअर सिटाडेल में जो भी पुअर पीपल थे वो रहते थे और जो प्रीस्टली क्लास के थे या हायर क्लास के थे वो लोग अपर सिटाडेल में रहते थे। हालांकि ये सिटाडेल कई जगहों पर अलग अलग है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसके बारे में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स में अगर आएँ तो हम लोग ड्वेलिंग हाउसेस को देख सकते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स को देख सकते हैं, पब्लिक बाथ को देख सकते हैं, ग्रीनरीज को देख सकते हैं, बर्न्ट मड ब्रिक को देख सकते हैं एंड एडवांस ड्रेनेज सिस्टम को देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इनके डोर्स ओपन हुआ करते थे वो गैलरीज में ओपन होते थे, नॉट ऑन द मेन रोड। तो ये आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स डू नॉट हैव लार्ज मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि टेम्पल हो गया या फिर राजाओं के रहने के लिए जो इनका महल हो गया, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता था, जबकि ऐसा इजिप्शियन कल्चर और मेसोपोटामियन कल्चर में पाया गया है जो कि टिग्रिस यूफ्रेटस रिवर या फिर इजिप्शियन रिवर, नाइल रिवर, इनके पास में ये सभ्यताएं, ये सिविलाइजेशंस डेवलप हुई थी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगेन हमें इस तरीके की कोई भी अभी तक एज सच कोई भी रिमेन्स, कोई भी प्रूफ एज सच नहीं मिला है। तो फिलहाल हम लोग ऐसा मानते हैं कि कोई भी टेम्पल या फिर पैलेस इस तरीके के इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान में नहीं बनाए गए थे। मेनी स्कॉलर्स हालांकि ये आर्ग्यू करते हैं कि जो मेसोपोटामियन पीपल थे टिग्रिस यूफ्रेटस वैली के, दे कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन एज मेलुहा। मेलुहा के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये शिवा के एक तरीके के मतलब एक फॉर्मेट को दिखाया जाता है इन द टर्म्स ऑफ मेलुहा। मैनी इंडस वैली सिविलाइजेशन सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। यहाँ पर ये दो तरीके के होते हैं मेसोपोटामियन में, जैसे कि अभी हम लोग सील के बारे में देखेंगे भी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स हुआ करते थे वो स्क्वायर शेप्ड या फिर रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, जबकि जो मेसोपोटामियन के होते थे वो सिलेंड्रिकल शेप के हुआ करते थे। तो अब सीधी सी बात है, अगर कहीं पर भी सील ट्रांजेक्ट हो रही है, जा रही है, तो देयर मे बी ऑफ टू रीजंस। एक हो सकता है कि लोग ही वहां पर गए हों और दूसरा हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड होती हो। तो बोथ द ऑप्शंस स्कॉलर्स के द्वारा जो है वो कंसीडर किया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। स्कल्पचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर सील पाई गई है। सील ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। ये सील कई तरीके से बनाई गई थी, जैसे कि कुछ मिनरल मटेरियल्स जैसे कि स्ट्रेटाइट या फिर कॉपर से बनाई जाती थी, आइवरी से बनाई जाती थी। यह स्क्वायर शेप्ड की होती थी और इस पर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो कि अभी डेसिफर नहीं की गई है वो बनी होती थी। जो पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट है ये ब्रुस्टोफेडन स्क्रिप्ट बोला जाता है, ब्रुस्टोफेडन स्टाइल बोला जाता है, जो कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट इस तरीके से मूव करती है। तो ऐसा अभी तक माना गया है, बट अभी तक इसे डेसिफर नहीं किया गया है। डेसिफर ना कर पाने के पीछे देखिए कारण है। कारण ये है, मौर्यन टाइम में आप लोगों को पता है कि वहाँ पर जो लैंग्वेज चला करती थी वो ब्राह्मी, पाली ये सब चलती थी। उस समय एक्चुअल में हुआ क्या था कि इसके एक ट्रांसलेटेड फॉर्मेट भी मिले हैं। ट्रांसलेशंस और फिर जो लैंग्वेज है, ओरिजिनल लैंग्वेज, उन दोनों को कंपेयर करके अल्टीमेटली लैंग्वेज को डिसिफर किया गया जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। लेकिन यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में इस तरीके की कोई भी स्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन नहीं मिला है, जिसके कारण से हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिसिफर कर पाना, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट वी कैन नॉट से इट इज़ अ इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन इन टूडेज वर्ल्ड। तो फिर जो भी होगा आगे देखेंगे, बट एट द प्रेजेंट टाइम फिलहाल ये डेसिफर नहीं की गई है। जो सील्स है वो एम्यूलेट्स के रूप में भी यूज़ की जाती थी। एम्यूलेट का मतलब कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लोगों के हाथ में कुछ ताबीज वगैरह बंधी होती है, वो एक तरीके से एम्यूलेट्स ही बोली जाती है। जो डेड बॉडीज़ हैं उनके एम्यूलेट के रूप में, ताबीज के रूप में सील्स बांधी हुई पाई गई है। तो अगेन ऐसा पाया गया था, माना जाता है कि जो हायर क्लास के लोग होते होंगे उनको सील्स के साथ में दफन किया जाता होगा। कई जगहों पर डॉग्स के साथ में दफन किया गया है, कई जगहों पर ग्रेनरीज मतलब कि जितने भी ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन, उनके साथ में दफन किया गया है। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो रीबर्थ में बिलीव करते थे। यहाँ पर जितनी भी सोसाइटल कंडीशंस थी वो मोर और लेस वैदिक, लेटर वैदिक टाइम के आप बोल सकते हैं, जहाँ पर एक तो रीबर्थ में ये विश्वास करते थे, दूसरा यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पर भी सती सिस्टम हुआ करता होगा। बट दिस इज़ अगेन अ प्रेडिक्शन ओनली। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अगेन सील वगैरह हैं जिनके बारे में भी आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डिटेल्ड वर्जन में जानना इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक पशुपति सील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पशुपति सील के बारे में अगर बात करें तो देखिए स्ट्रेटाइट मटेरियल का ये बना था, मोहनजोदड़ो से इसे डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पर एक डायटी को दिखाया गया है जो कि बेसिकली सेंटर में बैठे हुए हैं, क्रॉस लेग्ड फॉर्मेट में पालथी मार करके बैठे हुए हैं और इनके चारों ओर में जानवर हैं, जैसा कि आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं। इंसीज्ड ऑन दिस स्मॉल स्टोन, छोटे सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 इंच का ही है। We see a large figure seated on a dais surrounded by horned buffalo। अब यहाँ पर 4 आपको एनिमल्स मिलेंगे, 4 एनिमल्स, और 4 एनिमल कौन से हैं? भेल, याद रखिएगा, भेल, ठीक है। B से हॉर्न बफेलो हो गए, फिर उसके बाद से राइनो हो गया, एलिफेंट हो गया और फिर टाइगर हो गया। दिस भेल इज़ बेसिकली वॉट, लॉयन की जगह पर आप टाइगर कर लीजिएगा, एलिफेंट की जगह पर एलिफेंट ही रहेगा, हॉर्स की जगह पर आप राइनो कर लीजिएगा और बफेलो की जगह पर तो बफेलो ही है। तो दिस इज़ द ट्रिक यू कैन से कि यहाँ पर आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। बिनीथ दिस प्लेटफॉर्म इज़ अ स्मॉल इंटीरियर्ड डियर दैट इज़ वन ऑफ पेयर। तो यहाँ पर भी जो होता है इसके जस्ट नीचे जो है यहाँ पर डियर्स के मतलब कि जो हिरन है उसकी भी एक पेयर दिखाई गई है। Although the deer on the right has broken off at some point, enough of its intel remains to determine that the deer has its head turned away from the center and like its panther partner, and it was looking out towards the edge of the seat. हालांकि देखिए इतना ज़्यादा डिटेल्ड आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन द क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जा सकता है कि पशुपति सील पर एक डिस्कस नोट करिए, या फिर इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट वगैरह पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल्स बतानी होती हैं। जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ी सी डिटेल्स बतानी होंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एन इंस्क्रिप्शन, जो कि ऑब्वियसली ट्रांसडेसिफर नहीं किया गया, हैज़ बिन कार्व्ड इनटू द वेरी टॉप ऑफ द सील विद वन सिंबल अपेरेंटली डिस्प्लेस टू द स्पेस बिटवीन द एलिफेंट एंड द टाइगर। द स्टोन सील विच वुड हैव बीन प्रेस्ड ऑन टू अ सॉफ्ट बेस such as clay to create a positive imprint is dated 2500 to 2400 BC and was found in the archaeological site of Mohenjo-daro। अब देखिए कई जगहों पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न है, या इनफैक्ट कह लीजिए कि कुछ स्कॉलर्स के बीच में आपस में एक डिबेट है कि ये जो पशुपति सील है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ना हो करके ये अर्ली वैदिक टाइम की है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडस वैली ही आगे जा करके फिर टर्न आउट हुआ था इन अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड में भी कुछ लोग विश्वास करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा गया है, दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, और आप इसे याद भी कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सील से लेकर के तो आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड स्टेटमेंट फॉर इंट्रोडक्शन। सील्स नंबरिंग इन द थाउजेंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द एक्सकेवेशंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिटीज़ as well as in the sites in the Persian Gulf in Southwest Asia. Seals from the Gulf region have similarly been found in the Indus cities. The find suggests active trade and exchange between these areas in the 3rd millennium BC. So this is very important. देखिए हमारा यहाँ पर जो मोटिव है वो बेसिकली मेन्स आंसर राइटिंग का है, तो आपको ये जितने भी स्टेटमेंट्स इस तरीके के मिलते हैं उनको आप बाय हार्ट कर लीजिएगा। इससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको एग्ज़ाम में लिखने में काफ़ी आसानी होगी। अब जो डिबेट थी बेसिकली कि ये जो पशुपति सील है ये अर्ली वैदिक टाइम पीरियड का है, यहाँ पर कुछ लोग इसे सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग ऑब्वियसली अपोज करते हैं। तो जो अर्ली स्कॉलर्स थे दे पोजिटेड दैट द फिगर इन द सील वॉज ए एंशिएंट वैदिक फॉर्म दैट इज़ द नेम ऑफ रुद्रा ऑफ द हिंदू गॉड शिवा। दिस थ्योरी वॉज बेस्ड इन द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो सपोर्टर्स थे उनका ये कहना था कि एनिमल इन द सील इम्प्लाई द फिगर्स डोमिनियन ओवर एनिमल एंड दैट एन एपिथेट ऑफ रुद्रा, जिसे पशुपति भी बोला जाता है, एंड दिस इज लॉर्ड ऑफ एनिमल इन सिमिलैरिटी एज एपिथेट ऑफ शिवा। तो जैसा ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये एनिमल्स के मतलब कि आगे अगर आप देखेंगे तो लेटर वैदिक पीरियड में जो शिव थे उनको जानवरों का देवता बोला गया है। एंड इन द सेम थिंग इट कैन बी डेसिफर्ड कि ये जो पशुपति सील है ये अर्ली वैदिक टाइम पीरियड का रहा होगा, इसी वजह से ये जानवरों के साथ में दिखाया गया है। द फिगर इज सीटेड इन योगिक पोजीशन एंड एन एस्पेक्ट ऑफ शिवा इज नोन एज योगेश्वरा। तो जो योगेश्वर हैं बेसिकली वो भी शिवा का ही एक फॉर्मेट माना जाता है। तो हम लोग यहाँ से भी एक प्रूफ के तौर पर बोल सकते हैं कि ये शिवा की फ़ोटो जो है एक तरीके से अर्ली वैदिक पीरियड की रही होगी। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जो शिवा की ये जो फेस दिखाया गया है बेसिकली थ्री फेस्ड है, तीन के चेहरे दिखाए गए हैं ऐसा माना जाता है, जो कि एक दूसरे के ही पीछे पीछे हैं। और ये कहीं ना कहीं वो जो त्रिभंग अवतार है, या त्रिभंग नहीं आप बोल लीजिए कि जो थ्री फेस्ड स्ट्रक्चर है वो बेसिकली दिखाया गया है यहाँ पर। और यहाँ से अगेन डिपिक्शन की गई है कि ये अर्ली वैदिक टाइम पीरियड का है। देखिए क्वेश्चन अगेन आ सकता है कि जो पशुपति सील है उस डिबेट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको लेके प्रिपेयर्ड रहिएगा। लेकिन इसमें से भी स्कॉलर्स जो अगेंस्ट में हैं उनका ये कहना है कि द सब्सटैंशियल क्रोनोलॉजिकल गैप बिटवीन द डेट ऑफ द सील एंड द डेट ऑफ वेद शुड ऑल्सो बी नोटेड ऑल्दो दिस डज नॉट नेसेसरली प्रिक्लूड द इंक्लूजन ऑफ ओल्डर ट्रेडिशन इन द सेक्रेड वैदिक टेक्स्ट। There are other major points to be considered, however, that complicate identification of figure as a type of proto Shiva. तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये अर्ली वैदिक पीरियड के नहीं है। हमें दोनों पीरियड को एक बार कंपेरेटिवली देख भी लेना चाहिए। केवल और केवल अपने थॉट्स और अपने बिलीव्स से ही केवल हम लोग साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि दिस इज़ द सील इन द टाइम पीरियड ऑफ द अर्ली वैदिक। तो ऐसा नहीं कह सकते बिकॉज वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स टू नो कि एग्जैक्टली किस पीरियड का रहा होगा, लेकिन वो भी एक तरीके से एक एक्सपेक्टेशन होती है, केवल फुल प्रूफ नहीं होता है वो। The link between the seals, iconography of the Vedic theme that have been used to support the Pasupati and Rudra Shiva thesis are indeterminate. Yoga was likely known and practiced for centuries before it was codified into a series of prescribed mental and physical exercise. अब जैसे पतंजलि ने योगा को लेकर के आया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि this was not the first time that yoga came into picture. Yoga was already there. मेडिटेशन लगभग सबके द्वारा किया जाता था इन द अर्ली वैदिक पीरियड ऑल्सो, और हो सकता है उसके पहले भी, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है. लेकिन पतंजलि ने जब योगा को लेकर के आए तो फिर हम लोग बोल देते हैं कि ही वॉज द फादर ऑफ द योगा, बट दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली द थिंग, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत पहले से चली आ रही थी, बट ये केवल और केवल सिस्टमैटिक फॉर्मेट में नहीं थी. तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं केवल और केवल योगा बेस पे कि ये एक रौद्र का या फिर कह लीजिए कि ये रुद्र का अवतार है. द प्रेजेंस ऑफ लेटरल फेस ऑन द फिगर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल द स्कॉलर्स. इट इज अनसर्टेन इफ द शार्प प्रोटर्बनेंस ऑन ईदर साइड ऑफ द फिगर्स हैड इंडिकेट फेशियल फिशर. जो प्रोटर्बनेंस होती है बेसिकली वो इसके पीछे, इनके पीछे जो होती है एक चक्र होता है, ऐसे आप लोग देखे होंगे जितने भी दुर्गा पंडाल होते हैं, जैसे दशहरा है आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी हेड है, जैसे सपोज हेड, एंड इनके पीछे जो होती है एक सरकम्बुलेटरी, मतलब सरकम्बुलेटरी नहीं, ये एक गोल चक्र सा होता है जिसे प्रोटर्बनेंस बोला जाता है. और ये माना गया है कि बेसिकली यही चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है. इन एडिशन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ शिवा विथ 3 or more फेस हैव सो फार ओनली बीन डेटेड टू मच लेटर पीरियड. तो जो 3 फेस्ड वाला फिगर बताया गया है वो काफ़ी बाद का है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि दिस इज़ अर्ली वैदिक. अगर है भी तो ये काफ़ी बाद की चीज़ होगी, मेडिवल पीरियड के दौरान की होगी, न कि अर्ली वैदिक पीरियड की. तो ये एक दोनों लोगों के बीच में एक डिबेट है, वाद विवाद है कि आखिर में जो पशुपति सील है वो किस टाइम पीरियड की है. लेकिन अल्टीमेटली एक अगर आपको कंक्लूजन पे जाना है तो यू विल से कि इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट एंड इन द प्रेजेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डिपिक्शन जो पशुपति सील है वो फिर आप बोलेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही है, बिकॉज अगेन एनसीईआरटी में भी यही चीज़ कोट की गई है, तो आप भी एनसीईआरटी के साथ ही जाएंगे. द मल्टीपल फेस ऑफ शिवा और सदा शिवा कार्व्ड इन द 6th century हेयर फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आगे बात करें तो ब्रॉन्ज फिगर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं. ब्रॉन्ज फिगर अगेन दिस वॉज लॉस्ट वैक्स मेथड, इसके थ्रू ये पूरा का पूरा फिगर बनाया जाता था. इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे. तो जो ब्रॉन्ज कास्टिंग थी वो प्रैक्टिस की जाती थी बहुत ही वाइड स्केल पे इन द मेजर सिविलाइजेशन साइट्स. जो टेक्निक यूज़ की जाती थी वो लॉस्ट वैक्स थी, ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं. इनिशियली द फिगर नीडेड इज मेड ऑफ वैक्स. अब जैसे होता क्या था कि पहले ये वैक्स से पूरे फिगर को जो भी स्ट्रक्चर देना है उसको बना देते थे, और फिर उसमें फिर जो भी ब्रॉन्ज वगैरह पिघला करके उसके अंदर डाल देते थे और फिर वैक्स को हटा देते थे. एंड दिस इज हाउ ये एक फिगर एक अपने कह लीजिए कि स्ट्रक्चर को आ जाती थी. यहाँ पर जैसे डांसिंग गर्ल हो गई या फिर अदर जैसे कि बुलक कॉर्ड, ये सब बेसिकली इसी के ब्रॉन्ज फिगर्स के रूप में इसी लॉस्ट वैक्स मेथड के थ्रू ही बनाया गया है. ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स इस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है. Amongst animal figure, buffalo with its uplifted head, back and sipping horns and goats are artisan merits. Copper की dog, लोथल में bird, ये सब basically जो होता है इसी bronze figure lost wax method से ही बनाई गई है और ये पाई गई है. लोथल में जैसे हो गया, इसी तरीके से एक बुल है जो कि कालीबंगन में बनाई गई है. तो अगेन ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो ब्रॉन्ज फिगरीन्स हैं, जो ब्रॉन्ज फिगर्स हैं, ये सब बेसिकली लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई जाती थी, जो उस समय की हाई टेक्नोलॉजी वर्जन तो आप नहीं बोल सकते हैं, बट स्टिल यू कैन से कि हाँ यहाँ पर मेटालिक वर्क स्टार्ट हो गया था और फिर आगे जा करके विद द टाइम हो सकता था ये डेवलप हो जाए, बट डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ही हो गया. मेटल कास्टिंग कंटिन्यूड इवन आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्रू लेट हड़प्पन कैलकोलिथिक पीरियड ऑल्सो. एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जैसे डांसिंग गर्ल हो गया या बुल फ्रॉम मोहनजोदड़ो हो गया, तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया. डांसिंग गर्ल के बारे में थोड़ा सा आप अगर इसके फैक्ट्स को देख लीजिए, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगेन आपसे ये सीधे पूछा जा सकता है. मोहनजोदड़ो से ये पाया गया है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, एंड वन ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम इंडस वैली. लगभग 4 इंच हाई फिगर है ये, और यहाँ पर अगर आप पोस्चर भी देखेंगे तो इसे त्रिभंगा स्टाइल बोला जाता है, जहाँ पर एक हाथ जो है पैर पे होती है और दूसरी कमर पे होती है। इनके अगर फिगर को देखेंगे तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ विदाउट एनी क्लोथ, और यहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई हैं वो बेसिकली लॉस्ट वैक्स मेथड से ही बनाई गई हैं। दिस एक्यूज्ड कॉजिंग डिपिक्ट अ गर्ल हुज लॉन्ग हेयर इज टाइड टू द बन एंड बैंगल्स कवर हर लेफ्ट आर्म। राइट आर्म में ब्रेसलेट है और बाकी लेफ्ट आर्म में जो इनकी बैंगल्स वगैरह है वो है। इसके अलावा जो एन्यूलेट्स वगैरह है वो भी यहाँ पर पाई गई है, देखी गई है। इनकी जो आईज़ है और जो नोज़ है वो बेसिकली फ्लैट बनाई गई है, एंड दिस इज़ बिकॉज ये लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाया गया है, जहाँ पर आप अलग से इस पर कोई भी कार्विंग, कोई भी स्ट्रक्चर आप नहीं दे सकते हैं। तो जो एक बार स्ट्रक्चर बन गया वैक्स से, बस उसी में मोल्डिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये फ्लैट नोज़ और फ्लैट आइज़ हैं। त्रिभंगा स्टाइल ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे जो आती है वो टेराकोटा फिगरीन्स आती हैं। टेराकोटा के लिए आपको पता ही होगा, गोरखपुर को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग भी दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी, यहाँ पर जो लक्ष्मी टेराकोटा कह लीजिए कि जो बनाते हैं, वो बेसिकली इस टेराकोटा की शुरुआत किए थे और उन्होंने ही बेसिकली जीआई टैग के लिए इसे अप्रूवल दिलवाया है। तो टेराकोटा फिगर्स आर मोर रियलिस्टिक इन गुजरात साइट्स एंड कालीबंगा। इंडस वैली के दौरान की बात हो रही है कि उस समय जो गुजरात साइट्स थीं, या फिर जैसे लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, इस एरिया में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ये प्रेवलेंट थी। उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट, मतलब कि लोथल वॉज अ डॉकयार्ड और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट किया जाता था, तो मे बी सारी इंडस्ट्रीज़ या जो भी टेराकोटा वगैरह बनाई जाती थी वो यहीं पर इस्टाब्लिश की गई हो। इन टेराकोटा वी फाइंड अ फ्यू फिगरीन ऑफ बियर्डेड मेल विथ कॉइल्ड हेयर्स, देयर पोस्चर रिजिडली अपराइट। जो लेग्स हैं वो स्लाइटली अपार्ट हैं, एंड द आर्म्स पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द बॉडी। द रिपीटेशन ऑफ दिस फिगर इज एग्जैक्टली द सेम पोजिशन वुड सजेस्ट दैट ही वॉज अ डायटी। टेराकोटा मास्क ऑफ ए हॉर्न डायटी हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड। द कार्ट विद व्हील्स, और जितने भी बर्ड, एनिमल, जितनी भी ब्रॉन्ज में बनाई गई थी, सेम वैसे ही टेराकोटा में भी बनाई गई थी। दोनों ही एक दूसरे से कह लीजिए कि इंस्पायर्ड रहे होंगे, ऐसा माना जा सकता है। ये सारे फैक्ट जो हैं एक तरीके से आपको याद ही करने हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा समझने की चीज़ नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेराकोटा फिगर्स कौन से हैं? मदर गॉडेस की है, जो कि फर्टिलिटी की एक तरीके से सिंबल थी। मदर गॉडेस के बारे में अगर बात कर ले, जिनकी फिगर भी बनाई गई हैं, ये मेनली मोहनजोदड़ो से निकाली गई हैं, एंड दीज फिगर्स आर यूजुअली क्रूड स्टैंडिंग फिगर्स। तो स्टैंडिंग फिगर थी बेसिकली ये। गले में एक नेकलेस है, आप देख सकते हैं कि मिट्टी का बना हुआ है, दिस इज़ द थिंग, ये देख सकते हैं आप, and this is hanging prominent breast and wearing a loin cloth and a grid. Fan shaped headed, ऊपर देख सकते हैं this is fan shaped। यहाँ पर जो है projection on each side is distinct। जैसे ऐसा माना जाता था कि ये fertility की देवी हैं और इनकी पूजा भी prosperity और fertility के लिए ही की जाती थी। The pilot eye and beaked nose of the figure are very crude। Again जो है देखिए this is because of टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, जहाँ पर ये कार्विंग्स वगैरह अलग से नहीं की जा सकी थी, केवल और केवल मोल्ड ही किया जा सकता है। द माउथ इज़ इंडिकेटेड बाय अ नैरो ओपनिंग, और ये प्रॉब्ली प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी कल्ट को ही दिखाया गया होगा। पॉटरी फिर आ जाती है। अब देखिए पॉटरी, अगेन आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले एक इट इज़ अ ब्लैक पॉटरी शुरू में स्टार्ट की गई थी, और ब्लैक पॉटरी के बाद में फिर ओखर पॉटरी स्टार्ट हुई, ओखर के बाद में पेंटेड ग्रे वेयर स्टार्ट होता है, और फिर नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर स्टार्ट होती है। तो दिस इज द थिंग, बट पेंटेड ग्रे वेयर और उससे जस्ट पहले आप कह सकते हैं ओखर तक, ये बेसिकली लेटर वेदी तक चला है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चार टाइप की पॉटरी है। हालांकि पॉटरी को हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आइडिया रखे रहिए कि वी हैव 4 टाइप ऑफ पॉटरीज, जहाँ पर टॉप 2 जो हैं ब्लैक पॉटरी, रेड एंड ब्लैक पॉटरी, एंड जो ओखर पॉटरी है, ये दोनों के दोनों जो है अर्ली वैदिक पीरियड या फिर इंडस वैली पीरियड के दौरान में ये थी। जो पॉटरीज थी बेसिकली वो ग्रेनरीज को, जो भी ग्रेन्स है, सीरियल्स है, उसको रखने के लिए की जाती थी, और इस पर कलाकारी भी बाहर की जाती थी, उस पर भी थोड़ा सा अपना जो भी आर्ट्स वगैरह वो दिखाया जाता था। इंडस वैली की जो पॉटरी थी ये बेसिकली बहुत ही फाइन व्हील मेड वेयर से बनाई जाती थी, कुम्हार का जो चाक होता है उससे बनाई जाती थी। प्लेन पॉटरी इज़ मोर कॉमन देन पेंटेड, क्योंकि सीधी सी बात है उस टाइम का यही पीरियड था। प्लेन पॉटरी इज जनरली रेड क्ले, और उस समय जो कलर वगैरह भी यूज़ किया जाता था वो नेचुरल कलर थे, मतलब कि नेचुरली जो प्रेजेंट थे वही केवल थे, क्योंकि अगेन केमिकल्स वगैरह यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आइडेंटिफाई किया गया था। तो जो ब्लैक पेंटेड वेयर हैज़ अ फाइन कोटिंग ऑफ रेड स्लिप ऑन विच ज्योमेट्रिक एंड एनिमल फिगर डिज़ाइंस आर एग्जीक्यूटेड। पॉटरी में अगर देखेंगे तो देखिए ये एक पॉटरी आप देख सकते हैं जहाँ पर आप इसकी फिगरीन्स और इसमें जो भी कलाकारी की गई हो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ प्योरली रेड इन कलर, ऑखर पॉटरी आप बोल सकते हैं इसे, और इस पर ब्लैक कलर से जो है अलग अलग फोटोज़, फिगर्स या फिर डिज़ाइन वगैरह बनाए गए हैं। तो दीज आर ज्योमेट्रिकल इन नेचर। ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था और ये बेसिकली व्हील पे ही बनाई गई है। द शेप वॉज मैनिपुलेटेड बाय प्रेशर ऑफ द क्राफ्ट फिंगर्स। अब जैसे क्या होता है जब कुम्हार अपने चाक पे बनाता है तो हाथ से वो शेप दे रहा होता है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगा करके वो शेप दे रहा होता है, फिर उसको जो है पका करके अल्टीमेटली वो एक बर्न्ड ब्रिक स्ट्रक्चर या फिर बर्न्ड पॉटरी में वो बना देता है। तो सेम काम यहाँ पर भी किया जाता था। आफ्टर बेकिंग अ क्ले मॉडल इट वॉज पेंटेड विद ब्लैक कलर एंड हाईली पॉलिशिंग वॉज डन आफ्टर फिनिशिंग टच। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स और ये बना दिया जाता था। सिंपल डिज़ाइन हुआ करती थी क्योंकि अगेन यहाँ पर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज़्यादा अगर डिज़ाइन वगैरह करेंगे तो फिर टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। जोक्स अपार्ट, आगे बात करते हैं बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स के बारे में। अगर बात किया जाए तो ये वो प्रीस्ट है या फिर कह लीजिए कि जो यहाँ पे जो फिगर पाई गई है बियर्डेड टॉर्सो की, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो जो हड़प्पन टाइम पे जो बीड्स, ऑर्नामेंट्स या जो भी ज्वेलरीज वगैरह हैं वो मेल और फीमेल दोनों के द्वारा ही पहनी जाती थी, लेकिन इसमें भी कुछ और भी चीज़ें होती थी, जैसे एंकलेट हो गया या फिर जो भी महिलाओं के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है, वो केवल और केवल फीमेल्स ही पहना करती थीं। तो जो हड़प्पन मैन एंड वुमेन डेकोरेटेड देमसेल्फ विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एवरी कंसीवेबल मटीरियल्स रेंजिंग फ्रॉम प्रीशियस मेटल एंड जेमस्टोन। अब इसमें आपकी कॉपर भी थी, आपका आइवरी था, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन आयरन नहीं था, ये आपको ध्यान में रखना है। आयरन वॉज नॉट डिस्कवर्ड इन दैट पीरियड। आयरन लेटर वैदिक पीरियड का है, उसके पहले जितने भी गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गया, आइवरी हो गया, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गई, ये सारी चीज़ें उस समय थी और उसी के ही बेसिकली बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। वाइट नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, ये सब बहुत ही कॉमन था और दोनों ही लोग, मेल फीमेल दोनों ही लोग पहनते थे। ज्वेलरीज मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं और लोथल से। दीज इंक्लूड नेकलेस ऑफ द गोल्ड एंड सेमी प्रीशियस स्टोन। चंद उदाहरणों से भी ये सारी चीज़ें हमें मिली हुई हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। सिमेंट्री हैज़ बीन फाउंड एट फॉर्मोसा इन हड़प्पा वेयर डेड बॉडीज वर बर्न्ड विद ऑर्नामेंट्स। तो जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा ही है कि जो डेड बॉडीज़ थी बेसिकली उनको उनके सारे सामान के साथ में दफन किया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वही रीबर्थ का केस हो सकता है। वेल डेवलप्ड बीड इंडस्ट्री ये चनुदाड़ो और लोथल में पाई गई है। सम बीड्स वर मेड ऑफ टू और मोर स्टोन सीमेंटेड टुगेदर। आगे अगर देखें और अगर हम लोग इस प्रीस्ट के बारे में बात करें तो देयर आर ऑल्सो मॉडल्स ऑफ एनिमल्स स्पेशली मंकीज एंड स्क्वेरल्स यूज्ड अ पिन हेड बीड। स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल वॉज वेरी कॉमन, दोनों ही तरीके के लोग करते थे, पुअर भी और रिच भी। एंड जो मेन एंड वुमेन हैं वो अलग अलग तरीके की चीज़ें पहना करते थे, धोती, शॉल, तो अलग अलग चीज़ें पहना करते थे। शॉल कवर्ड लेफ्ट शोल्डर पैसिंग बिलो राइट मैन, ये बेसिकली जो होता है एक तरीका हुआ करता था मेल के शॉल पहनने का। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। डिफरेंट हेयर स्टाइल्स होती थी। बियर्ड जो थी वो काफ़ी पॉपुलर थी, मतलब उस समय के लोग भी जो है अपनी चेहरे वगैरह की फिनिशिंग टच दिया करते थे। सिनाबार वॉज यूज्ड एज अ कॉस्मेटिक एंड फेस पेंट, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें आप चंद उदाड़ों से एक्सकेवेट किए हुए देखे होंगे। बियर्डेड प्रीस्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। बियर्डेड मैंस फिगर मेड ऑफ स्टाइटाइट, द फिगर इंटरप्रेटेड एज अ प्रीस्ट एंड इज ड्रैप्ड इन शॉल कमिंग अंडर द राइट आर्म। जैसा कि ऑलरेडी जो पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किया उसी से तरीके का है। शॉल जो थी वो डेकोरेटेड थी और इनकी जो आई थी इलोंगेटेड थी, हाफ क्लोज थी। अगेन देखिए दिस इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि जो भी इनका मेथड है, लॉस्ट वैक्स मेथड, चाहे जिस भी मेथड से ये बना रहे हैं, उसमें इनके चेहरे की कलाकारी नहीं कर पाएंगे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा अपने डांसिंग गर्ल वाले फोटो में भी, और साथ ही साथ में हम लोगों ने जो फीमेल या फर्टिलिटी की जो देवी थी उनके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज क्वाइट कॉमन। थोड़ा सा आपको देखिए लिंक बिठाना होगा आर्ट एंड कल्चर में, तभी आप आंसर्स वगैरह लिख सकते हैं, थोड़े से फैक्ट याद कर सकते हैं। नोज भी वेल फॉर्म्ड है एंड मीडियम साइज ही है। शॉर्ट कट मुस्टॉश एंड अ शॉर्ट बियर्ड एंड विस्कर्स। हेयर जो है वो मिडिल में है एंड प्लेन वुवन फील्ड इज पास्ड राउंड द हेड। हालांकि इतना देखिए ध्यान से रखने की जरूरत नहीं है, आप एक फिगर याद रखे रहेंगे। इसमें दो तीन कॉमन चीज़ें हैं, जैसे आप बियर्ड को बिल्कुल याद कर सकते हैं, बाकी इनके आइज़ वगैरह आप देख ही सकते हैं, नोज़ वगैरह देख ही सकते हैं, लिप्स वगैरह देख ही सकते हैं, बाकी शॉल के बारे में आप देख ही सकते हैं। राइट में लेफ्ट में किस तरीके से पैटर्न आ रही है ये भी आप देख ही सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। बाकी इनके कान वगैरह भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें ही बेसिकली आर्ट एंड कल्चर में नोटिस होती हैं। अब आप आंसर में कभी भी इस फिगर को नहीं बना सकते हैं। ये फिगर जो होता है आर्ट एंड कल्चर में नहीं बनाया जाता है, ये केवल और केवल आपको वर्ड्स में ही लिखना है। फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देखेंगे कि हाउ टू राइट अ बेटर आंसर इन द आर्ट एंड कल्चर, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ की जा सकती है। जो आमलेट है ऑन द राइट हैंड एंड होल्स अराउंड नेक सजेस्ट नेकलेस। स्लाइट टच ऑफ ग्रीक स्टाइल ऐसा माना गया है, देखा गया है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी डिस्कशंस हो सकती हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मौर्यन आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्किटेक्चर और साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से हम लोग मेडिवल पीरियड और फिर मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करके इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। प्रैक्टिस के बारे में अगर बात करें कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन है जो कि 2015 में आया था। द एंशिएंट civilization in Indian subcontinent differed from those of Egypt, Mesopotamian, Greece, in that its culture and tradition have been preserved without a breakdown to the present day. Comment. Dusra question hai, to what extent has the urban planning and culture of Indus Valley civilization provided inputs to the present day urbanization? Third question, seals form the most elegant creation of Harappan civilization. Elucidate. Next, what are the different purposes of seals used इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख करके भेज सकते हैं recognition.ias@gmail.com पे, या फिर टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग 200 वर्ड में लिखिएगा, क्योंकि अगेन वही सेम चीज़ें हैं। दो तीन चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूं जो आपको हमेशा यूज़ करना है। इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन लेकिन आपका 30 to 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक फ्लो चार्ट आप लोग ज़रूर बनाइए, फ्लो चार्ट से काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आप मैप बना सकते हैं, मैप बना के दिखा सकते हैं तो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये पेपर 1 का टॉपिक और पेपर 1 में ज्योग्राफी भी होती है, तो ऑब्वियसली यू कैन इंक्लूड दिस। इसके अलावा आप लोग जो भी पॉइंट लिखिए, जो भी बॉडी में आप पॉइंट्स लिखिए, वो पॉइंट फॉर्मेट में लिखिएगा, काफ़ी अच्छा होता है। ज़्यादा नहीं, 4 to 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हेडिंग्स लिख सकते हैं आप अगर आप लिखना चाहें तो, और फिर अल्टीमेटली आप एक कंक्लूजन लिखिएगा अपने आंसर का कि क्या कंक्लूड किया जा सकता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूं फॉर योर राइटिंग थिंग। जैसे कि मान लेते हैं सील्स के बारे में ही क्वेश्चन देख लेते हैं। सील्स फॉर्म द मोस्ट एलिगेंट क्रिएशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ब्रेक करिए। क्वेश्चन है सील के बारे में, दूसरा यहाँ पर जो कीवर्ड है वो एलिगेंट क्रिएशन है, एलिगेंट क्रिएशन, और हमें बात करनी है हड़प्पन टाइम की। इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी जो 3 लाइन का था उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि सील जो हैं वो मेसोपोटामियन, इजिप्शियन एज वेल एज इन द हड़प्पन कल्चर पाई जाती थी, जहां पर बेसिकली जो यूज़ किया जाता था इस सील का वो ट्रेडर या फिर एक्सचेंज के लिए किया जाता था, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर आप इसके बाद से एक छोटा सा मैप बना सकते हैं। मैप में आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल इजिप्शियन को दिखाना है, इजिप्ट को दिखा दीजिए, मेसोपोटामिया को दिखा दीजिए, और इंडिया का वेस्टर्न साइड दिखा दीजिए, और यहाँ पर आप लोकेट कर दीजिए इजिप्शियन कल्चर को, मेसोपोटामियन कल्चर को और इंडस वैली कल्चर को। जो इजिप्शियन और मेसोपोटामियन है यहाँ पर आप बना दीजिए कि ये सिलेंड्रिकल टाइप के सील्स हैं, और जो इंडिया है वहाँ पर स्क्वायर शेप या फिर आप रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर दिखा सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन मेक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द वर्ल्ड मैप। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप सील के बारे में बताना शुरू कर देंगे। सील के बारे में आप बता देंगे कि देखिए इस सील जो है वो किस मटेरियल का बना होता था, तो आप मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, इसकी क्वालिटी क्या थी, क्वालिटी का मतलब यही स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, ये दिखा सकते हैं आप। और इस पर जो भी लिखा होता था, मतलब जो पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वो आप लिख सकते हैं। थर्ड, आप जो पशुपति सील है उसके बारे में बता दीजिए कि ये पशुपति सील है जिसके बारे में यूज़ किया जाता था, ये सारी चीज़ें होती थी इस तरीके से, ठीक है। फिर आप अगर आपको कोई फैक्ट याद है रिगार्डिंग सील, जैसे कि लोथल है वहाँ पे कई सारी सील्स पाई गई हैं, इसके अलावा कुछ और भी एरियाज़ अगर आपको मिलते हैं फैक्ट में कि जहाँ पर सील पाई गई हो तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि पशुपति सील ये जो कि मोहनजोदड़ो से निकाली गई है। तो आप ये चार फैक्ट लिख करके फिर आप अल्टीमेटली यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि द सील वॉज नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट ऑल्सो अ मीडियम टू शो द आर्ट एंड कल्चर ऑफ द रीजन, बिकॉज यहाँ पर एनिमल्स को भी डिपिक्ट किया गया है, शिवा या फिर कह लीजिए कि पशुपति को भी डिपिक्ट किया गया है, जो कि एक भाव दिखा रहा है, एक्सप्रेशन दिखा रहा है, कल्चर को दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप बेसिकली इस पूरे के पूरे आंसर को मोल्ड करेंगे और अल्टीमेटली यू विल कंक्लूड इट, आप इसे कंक्लूड कर देंगे, कह देंगे कि दिस, हाँ ये जो सील फॉर्मेट है दिस इज द मोस्ट एलिगेंट क्रिएशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हालांकि आप इसे कंपेयर भी कर सकते हैं बाकी चीज़ों से, जैसे सील को आप जो है ब्रॉन्ज फिगरीन के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब कंपेयर करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि देखिए जो ब्रॉन्ज फिगरीन्स है वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स थे बिकॉज ऑफ द लॉस्ट वैक्स मेथड वो हाई क्वालिटी के नहीं हैं, जबकि जो सील हुआ करते थे वो काफ़ी हाई क्वालिटी के हुआ करते थे। मटेरियल जो था वो काफ़ी पॉलिश्ड मटेरियल हुआ करता था, छोटे होते थे, सुंदर भी होते थे। तो इस तरीके से आप ब्रॉन्ज फिगर के साथ में भी आप कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो टेराकोटा है उसके साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं, या फिर जो ज्वेलरीज है, ऑर्नामेंट्स है, उनके साथ में भी आप कंपेयर कर सकते हैं। और अल्टीमेटली इस पूरे कंपैरिजन में जब आप एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे 4-5 पॉइंट में, अल्टीमेटली आप ये बोल देंगे कि सील वाज द मोस्ट रिफाइंड थिंग एंड मोस्ट एलिगेंट क्रिएशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस तरीके से बेसिकली इस पूरे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को आपको लिखना है। एक आइडिया लग गया आपको कैसे लिखना है। अब आप इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग लिखिएगा, 200 वर्ड में लिखिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ऑब्वियसली इन चैनल्स को यूज़ करके, इन मोड्स को यूज़ करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। इट विल बी प्रेफर्ड इफ़ यू राइट एन ईमेल ऑन recognition@gmail.com। 1 to 2 डेज़ में आपको रिप्लाई मिल जाएगी। और अगर आपको क्वेरी नहीं सॉल्व होगी तो ऑब्वियसली यू कैन रीच अस बाई अदर मोड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।